अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग ऑसम। तो गाइस, रोस्टर भाई को हमने ट्रीट देनी थी क्योंकि निकाह वाले दिन वो जल्दी में थे, उन्हें जाना था। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, आज आप चले जाओ। तो आज उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं फ्री हूँ, आप लोग अगर कहो तो आज चले चलते हैं। तो मैंने कहा कोई मसले नहीं है। फिर मैंने भी सारे दोस्तों को बुला लिया, तैयब भाई, यसीन भाई और व्लॉगर को भी कहा कि यार मेहरबानी करो यार, तुम आज आ जाओ यार। तो तेरी मेहरबानी यार, मतलब सानू टाइम ही नहीं देता यार। मैंने मतलब उस बंदे की समझ नहीं आती यार, पता नहीं चाहता की है सानू। खैर, अभी सारे दोस्त इकट्ठे हो गए हैं और शायद यसीन, तैयब और व्लॉगर, सॉरी रोस्टर, वहाँ पहुँच जाएंगे या पहुँच चुके होंगे। मैं और व्लॉगर अभी यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपको भी वहाँ पे मिलते हैं। हाँ जी गाइस, तो मैं और व्लॉगर भाई पहुँच चुके हैं इस टाइम अपने भाइयों के पास। और अंदर कह रहे बड़ा माहौल है, अब देखते हैं कि माहौल है। मतलब हमें इतनी देर हो चुकी है, वो हमें कह रहे हैं हमने मंगवा लिया, हम खा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। यसीन की मुझे कॉल है, कह रहे हैं कि यार ठंडे होने पे आओ, ही सही मंच के देखने आओ। तो बस अभी हम भाइयों को मिलते हैं, ऐसे ना हो कि वो गेम एकदम हो जाए। तो गाइस, भाइयों ने दे दिया जी ऑर्डर, हमसे पूछे भी नहीं, दे दिया आपने, ये तो मैंने जाती किया इन्होंने। लेकिन क्या करें, अब हम भी तो देर हमने कर दी थी, अब कुछ कहने के लिए बचा ही है, अब उदासी हो रही है यार। इन्होंने हमारे से जाती की है। ओ सीरियस हो गया यार, सीरियस हो गया। वैसे ये प्लान सारा है भाई की वजह से, हमने नाइट में किया है क्योंकि हमारा भाई आजकल पंप पे होता है, ऐसे मिलती नहीं है जी छुट्टी। ठीक है, और लेकिन ये शाम को कहते हैं अभी आप आ जाए करो, मतलब असर के बाद ये क्या करते हैं बड़ी घड़ियाँ छड़ियाँ। ये बस हमें मतलब बर्थडे पे हमें गिफ्ट मिला था, छोड़ो ना यार, नजर लग जाती नहीं पता यार, करना नहीं यार, नहीं यार, नहीं दिखानी यार, यूट्यूबर हो मजा, मतलब शौकियाँ हमारी चाहिए आपका कहने का मतलब है। हम लोग शौकियाँ हाँ थोड़ी बहुत होनी चाहिए जैसे अच्छा ये तो आपने मतलब बताऊँ क्यों पहनी है क्यों, मतलब बताओ इसको क्या चीज़, ये सी क्यों पहनी है वॉच वाइट रन नहीं नहीं हाई रन। हाँ भाई यसीन बताओ, बता दो दुश्मन नहीं भाई, अब यसीन ने कहा है तो मुझे बताना पड़ेगा। आप ये देखो, वो भी पूछना चाह रहे हैं, नहीं है ना, है वो इशारा कर रहे हैं, नहीं चाह रहे हो ना, वो इशारा कर रहे, नहीं यार तेरी मेहरबानी है, मैंने दर्शन नहीं, दो मिनट यार बच्चे खुश हो जाए, यार खुश हो जाए यार, नहीं यार नहीं करी। हाँ जी, तो साडा काम आ गया, मैं आपको दिखावांगा इन्होंने दिखाने देगा। हम तो अभी तस्वीरें ही ले रहे थे कि शेख साहब ने अपना एंड कर लिया। शेख साहब को खैर खैर करो यार, की करी हो करी दे यार, तुम की करी जा रहे हो यार। मतलब अभी हमारा है ये, हम तो भाई भी कोई तस्वीरें ले रहे हैं। तो गाइस सीन ये है कि तैयब भाई ने फटाफट यूं मतलब चटपट कर ये भाई ने खाया और निकल गए हैं। फिर मैंने सीट चेंज कर लिया। तैयब कह रहा था मुझे सगीर साहब को, उसका तो आता क्या बर्गर, उसने बस उतरने वाले मारे। मैं वही कह रहा था यार, अभी हम तस्वीरें ले रहे हैं और भाई बस एंड होने वाला था। अभी मैं भी इनको कह रहा हूँ, अच्छा ये तो थोड़ा हो गया, अभी खाना मंगाएंगे, चीज मंगाए जिसके लिए आए थे भाई। तो ये कह रहे हैं ये चीज़ है, तो मैं कह रहा जैसे बंदा घर खा लेते कुछ बर्गर करके। मतलब भाई मुझे ये बताओ, अभी आपका निकाह हुआ है क्या भाई? हमजा पता नहीं है क्या कहते हैं, हमजा निकाह कहते हैं ना, निकाह होते हैं, क्या होता है, क्या होता है भाई? दो शादीशुदा बंदे इकट्ठे बैठे। अच्छा, तो गाइस मतलब ये छेड़ बनी हुई है, हमजा भाई को उनसे भाई सुनाते हैं निकाह हुआ है क्या हुआ है। हमजा कहते मुझे अच्छा लगता है ऐसे बोलो, रखने के लिए बोल देता हूँ। ये फीलिंग कैसी है? उसके बाद लोग कहते हैं कि यार वो सिग्नेचर करो, वो ऐसे हो जाते हैं, ये वाई चेंज हो जाती है, ये हो जाता है, मतलब ये चक्कर क्या है? ऐसी ऐसे कुछ हुआ है जो लोग कहते हैं साइन करते साथ ही मतलब हर चीज़ जज्बात बदल जाते हैं, मतलब हालात बदल जाते हैं, क्या हुआ है अभी आपके साथ? कुछ नहीं, बस सिर्फ साइन किए, साइन करके आ गए वापस। अभी तो जिसके लिए साइन किए वो आएंगे तो पता चलेगा अभी ये जज्बात बदलते हैं, हालात बदलते हैं, क्या होता है। मतलब ऑर्डर दिया है अभी, मतलब पहुंचा नहीं है अभी, पहुंचा नहीं है वो। गाइस अभी हमबर्गर खा के निकले हैं और यसीन भाई यार हमें कह रहे हैं कि भाई मुझे भूख लगी है। मैंने कहा चलो अब बाहर निकलते हैं, कुछ खाने पीने की देखते हैं, कोई चीज अगर मिल जाती है तो। वैसे एक बात है, बर्गर शुरू होते ही खत्म हो गया, अभी मतलब माहौल बन रहा था, चेक कर रहे थे कोई ऑर्डर दें या ना दें। लेकिन चलते हैं अभी भाई, होते हैं ना जो पहले टेस्ट करने के लिए भेजते हैं वो थोड़ा बहुत। हाँ। क्या स्टार्टर हाँ। अभी हमजा क्या कहना है, अभी चलते हैं, आपको कोई मतलब मेरा दिल जाके बताता है। आ जाओ आ जाओ। हाँ जी गाइस, मैं और
व्लॉगर यहाँ पहुँच चुके हैं और यासीन और हमजा रोस्टर जो है वो रास्ता भूल चुके हैं, वो अभी आ रहे हैं, लेकिन देखते हैं कितनी देर में पहुंचे। हम इंतजार करते हैं और मतलब बस भाई को ऑर्डर अभी नहीं देते, इन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया वहाँ पे, मतलब जल्दी जल्दी पता ही नहीं चला बगे हैं और आए हैं, खत्म हो गया तो अभी हम मतलब ऑर्डर नहीं देते, क्योंकि वैसे भी हमने क्या खाने हैं, गोलगप्पे हैं, मैंने तब नहीं बताया, अभी इसको भी अभी पता चला गोलगप्पे खाने आए हैं, तो अभी यकीन मानो मेरी फेवरेट है और इसके मुँह में पानी आ रहा है। गाइस अल्लाह अल्लाह करके हमें जगह मिली, इतना रश था खड़े हो और देखा जाए तो लाइटिंग भी अच्छी हो गई है। हाँ, आपका तो माहौल बन जाएगा, अभी हमारे भाई भी आने वाले हैं, रब्ता हुआ कह रहे हैं बस हम पहुंचने वाले हैं, उन्हें तीन दफा मुझे फोन कर चुके हैं, कहाँ तो आप लोग यार, कहाँ तो आप लोग, लेकिन चलो अभी आ जाएंगे, मतलब बस कह रहे हैं बस पहुँच गए हम आपके पास, बस अभी उनका ही वेट है और फिर हम ऑर्डर देते हैं, क्योंकि भाई के मुँह में पानी है, भाई मुझे कह रहे हैं यार दो तीन तो बना के दे दो यार, मतलब खुद भला कर दो यार, ये तो लगता है व्लॉगर साहब उनका आने का दिल नहीं है, कुछ भी उनका दिल नहीं है, मैं तो कहता हूँ खुद ही मंगवाते हैं, मैं भी ये कह रहा हूँ खुद ही खाते हैं, ठीक है उनके इरादा नहीं है, बोले कहता हूँ उधर से खा चले जाओ। वैसे मैं एक और बात सोच रहा हूँ कि क्यों ना ऐसे किया जाए कि मतलब इसके बाद आए तो मतलब अभी तबीयत नहीं आई इतनी, क्योंकि बर्गर भी खाया है, बिल्कुल किसी दिन तो मर मैं चैलेंज लगा इस बात पे भी कौन सबसे ज्यादा खाएगा, और मैं कहता हूँ लाओ नहीं लाओ, मतलब थोड़े दिनों में लगा लेंगे यार, अभी लगा लो ज्यादा बेहतर है, मेरे पेट थोड़ा सा खा लिया है तो नहीं नहीं हो सकता है कि मैं भाई इस टाइम बुरबाज हूँ, बर्गर खा के मैं वैसे ही बस हुई है, कब चलने लग रहा है ये बता, कुछ दिनों में कर लेते हैं, मैं मजाक लगा, आप मुझे फ्री बता, आप बता देना भाई मैं इस दिन फ्री हूँ तो इंशाल्लाह मैं मतलब यानी आप लोग जो हारेगा ना वो पैसे वो देगा, ये भी सुन लो। अच्छा चलो देखते ना, यानी तुम अब मुझसे अपॉइंटमेंट लोगे पहले? नहीं मैं जा भाई मैं चैलेंज नहीं करती, मैं चैलेंज ही नहीं तेरे लौड़ा यार। तो गाइस फाइनली दो शहजादे हमारे जो गुम हो चुके थे वो आ चुके हैं, हमने तलाशी गुमशुदा के पोस्टर लगा दिए थे यहाँ कमेटी के बाहर, भाई किधर थे, इतना बड़ा तो हमारा शहर नहीं है जितने आओ गुम हुए थे यार, मेरा ड्राइवर जरा अजीब सा था भाई। नहीं ड्राइवर, एक तो ड्राइवर अजीब था ना, दूसरा आपने फोन भी उसी को दिया हुआ था, कोई उसे समझ नहीं, हमने कहा इधर आना है इस जगह पे आना है तो इधर से ही गुम हुआ था, किधर आना है किधर आना है भाई, क्या सीट को सर पे लगी हुई है भूख, हाँ तो उसको जो पेट की गैस है ना वो सर पे चली गई है, समझ नहीं आ रही है, नहीं नहीं समझ ठीक है, बस दब छोड़ दब छोड़ो गला मगर दब छोड़ो। हाँ जी तो गाइड बताओ जरा आप कैसे, फिर शुरू होती खत्म हो गए, मतलब आप बताओ कैसे लिए, मुझे तो बड़े मजे के लगे हैं, मतलब बेहतरीन लेवल लगे सही लेवल है, अभी वो भाई जाऊंगे नहीं जी अभी वो खा रहे हैं, तसल्ली करो हमने तो अभी ऑर्डर दे दिया, आप वही खाओ हम वो दूसरे खा देंगे, खा चुका है हमारे ये वैसे अंकल के पास इसलिए आते हैं, हमेशा इनके पास ही आते हैं, इनका जरा टेस्ट अच्छा है और इनके ना जरा वो अच्छे होते हैं, वो दूसरे नहीं होते, वो सामान में जो अजीब नहीं, इनके वो दूसरे नहीं होते जो लोग मिले, मतलब अजीब से, तो इनके अलग रेट भी मतलब दस बीस ऊपर हो जाता है, लेकिन हम कहते हैं नहीं खाना तो लेवल वाला है ना यार, लेवल माहौल बने माहौल बने यार। हाँ जी भाइयों आप शुरू करो, मेरे आ रहे हैं, पानी दे दीजिएगा, थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू, आप लोग खाओ भाई, ओ भाई हो हेलो, नहीं डर के खाओ यार, कुछ हो भाई ना खाओ यार, मेरे नहीं नहीं तंग करो यार, मैं बात है ना उसका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा है, जरा ऐसी इसलिए मैंने वो आपके लिए बनाए थे, अभी मैं खुद खाऊंगा, नहीं ये अब मैं खाऊंगा ना, अरे हट मेरा तेरा मजाक नहीं है यार, क्या गल कर रहे हैं मेरे, तू चल चल सी मजाक चल सी भाई, चल 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 यार मजाक, अच्छा सोच ये बात, नहीं नहीं हां जी हम तो भाई बताएं आपको हमारी ये छोटी मोटी ट्रीट कैसी लगी आपको, जी बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने मेरे लिए इतना किया, और छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं बिल्कुल सही बात है, उस दिन तो आप जल्दी में थे, हमने आपको रोका नहीं है, वरना वैसे कुछ चीज़ होती ना हमने पकड़ लेना था, मैं जाते किधर हो हमारे साथ निकलो तो आप एक दफ़ा आराम से घर जा, वो क्या हम पंजाबी में कहते हैं जो सिट न लाइए उस माऊंगा भिंडियाँ ना पहुँचाइए, तो इसलिए घर नहीं जाने देता भाई हमारे साथ ही रहना है, हाँ इसलिए भी मैंने उसे कहा कि चलो कोई नहीं यार कज़न इतने दिनों बाद मिले हैं तो चलो इन्जॉय करने दो, ऐसे दिन फिर थोड़ी आने हैं, तो इसलिए उस दिन आपको जाने दिया और आज इसलिए आपको बुला भी लिया हमने, हमने कहा वो हमने देनी है और देनी है, भाई तो मना कर रहे थे कि नहीं यार बस हो गया खत्म करो, लेकिन नहीं मजा आया हमें भी, मैंने भी बड़ा इंजॉय किया, वैसे भाई के साथ जब बैठते हैं हंसी मजाक तो हमारा चलता है, हर टाइम एंजॉयमेंट होती है, थोड़ा अच्छा लगता है सब इकट्ठे होते हैं सब, बिल्कुल ये जी हमारा
अच्छे दादा। मैं चाहता हूँ कि आप घर जाए, घर जाए, क्योंकि इन्होंने पैक करवा लिया, इनका दिल है भैया, इन्होंने पैसे बेचो खवा और कभी मैं शिकन ना माल का भाई को पसंद आ गया। भाई ने कहा मैं घर भी लेके जाऊंगा। यासीन भाई हमेशा की तरह बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, ओके ठीक है बिल्कुल है। मैं उस दिन कह रहा था इनको मिल के कि इन्होंने अपने जैसा काम उठाया जी भाई, कितना काम भी वैसा ही है, कितना बस इससे ज्यादा नहीं। हां भाई ठीक है चले ओके चले जाओ, बस इन्होंने अपने हिसाब से काम अच्छा काम भी वही है, बिल्कुल बेहतरीन काम इन्होंने उठा लिया। तो इसी के साथ आज का व्लॉग अब एंड करते हैं, चलते हैं घर। भाई देर हो रही है, गोलगप्पे मैं कहना रे गोलगप्पे ठंडे ना हो जाए यार। जितनी दफा हुआ यानी कि व्लॉग तुमने बनाया तुम नहीं ऐड किया, आज मैं ऐड करता हूँ तो कर दे। नहीं नहीं मैं अपना बोलूंगा, आप बोलो जो बोलो। तो गाइस इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करेंगे अब। तो गाइस इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।